आप डीजल रॉकेट बोल लो इसको। ई क्लास इज अ काइंड ऑफ एस क्लास। ओरे बाप रे बाप। अच्छा जी, सीरियसली ई क्लास में मुझे उससे ज्यादा ये बेटर, ये वाली ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड के टच सेंसिटिव बटन्स हो गए। Hello everyone, this is Irfan and welcome to My Country My Right. तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country My Right के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। दोस्तों आज का दिन भी बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आए हुए हैं क्रेजी अबाउट कार डीलरशिप पे, जहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे दो ई क्लास और दोनों ई क्लास में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो प्रेफर करते हैं डीजल कार, बहुत सारे भाई हैं जो प्रेफर करते हैं पेट्रोल कार। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल आपको मिलेंगे और ऊंचे ही मॉडल में आपको मिलेंगे, जिसमें ई क्लास आप देख ही पा रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, स्पेशली द कलर। ये कलर बहुत खास है, इस कलर के बारे में भी जानेंगे और आपको पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ डिटेल बताने के लिए यहाँ पे होंगे अक्षत भाई फ्रॉम क्रेजी अबाउट कार। अक्षत भाई कैसे हो? क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया, सबको हाय कर दो एक बार। अब आज की जो स्टोरी है, अभी पीछे जो हमने स्टोरी दिखाई चार गाड़ियों की, जिसमें हमने ऑडी करी, मर्सिडीज भी करी, आज हम कर रहे हैं दोबारा से मर्सिडीज। मैंने बताया कि ई क्लास करने जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल। जी इरफान, में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे पास बहुत डिमांड आ रही है कि नए मॉडल्स दिखाओ, अपर मॉडल दिखाओ, तो आज जो हम लाने वाले हैं दोनों ऊंचे मॉडल रहने वाले हैं, ठीक है, और पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहली आप गाड़ी देख पा रहे हैं उसकी मैं पूरी डिटेल आपको लेके बताता हूँ अक्षत भाई से, और देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। अक्षत भाई कौन सी गाड़ी है? इरफान भाई दोनों ही ई क्लास रहने वाली है। शुरुआत इस वाली से करते हैं, ठीक है, E200 और अवंतगार्ड वेरिएंट, ओके, 2017 मॉडल। ठीक है, अवंतगार्ड पेट्रोल में उस टाइम का सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट है, तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहने वाली है। ठीक है, अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ई क्लास में वो एक्सक्लूसिव और एक और वेरिएंट आता है, बट जो 2017 में आया था वो अवंतगार्ड आया था। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट लाइट की। जो फ्रंट ग्रिल है और फ्रंट लाइट है वो हम देखते हैं, जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको दोनों में ही मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, ठीक है, ग्रिल दोनों की सेम ही है, बट फ्रंट शो सिमिलर बनाने का कोशिश कर रहा है बट डिफरेंट है। अब इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलती हैं दैट इज ए LED हाई परफॉर्मेंस लाइट, और साइड से जो व्हील्स हैं। अक्षत भाई टायरों की क्या कंडीशन है गाड़ी की? टायरों की कंडीशन की बात करें तो कुछ नहीं, तो 60-70% अभी लाइफ बची हुई है, ठीक है, और अलॉयज की कंडीशन आप देख रहे हैं तो अभी गाड़ी में कोई इमीडिएट एक्सपेंस नहीं है, प्लस ऊंचा मॉडल वैसे ही है। ठीक है, अब बात करते हैं पीछे से, एक बार देखते हैं कि पीछे से कैसी गाड़ी। अच्छा, ऊंचे मॉडल से क्या फर्क पड़ता है यूज्ड कार इंडस्ट्री में? सर ऊंचे मॉडल से ये फर्क पड़ता है कि जिनको लंबे टाइम तक रखनी है, चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं तो 6-7 साल गाड़ी चलाऊं, तो उनके लिए ऊंचे मॉडल बेस्ट रहते हैं। ओके, क्योंकि सर्विस पैकेज वगैरह सब अंडर वारंटी होता है, तो यूजुअली जो प्रीवियस ओनर्स होते हैं वो सारा कुछ करा के रखते हैं, रिसेंटली सर्विस्ड होती है, कुछ छोटा मोटा अगर वारंटी में क्लेम लेना होता है वो भी ले लेते हैं। ओके, तो ये गाड़ी में आपको कोई इमीडिएट एक्सपेंस नहीं मिलेगा ऊंचे मॉडल पे। देखते हैं इसका एक बार बूट कि कैसा रहेगा इसका बूट। तो इसके अंदर पीछे क्या क्या मिल रहा है? स्टेपनी आपको अलग से मिलती है जैसे आप देख सकते हैं, बाकी आपको टूल्स वगैरह सारे कुछ मिलते हैं। अभी ये जो है ये मैनुअली ऑपरेटेड है, बूट मैनुअली आप बंद करेंगे। लाइटें आप देख लीजिए, लाइटें इस टाइम इसकी जल रही हैं। अक्षय भाई कितने लीटर इंजन है वैसे? इरफान भाई 2 लीटर इंजन होता है और पेट्रोल इंजन, जैसे मैंने बताया पेट्रोल इंजन रहता है। आइए इसकी पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। अब इसके अंदर बैठना बहुत आसान है और इसके अंदर बैठ के ना आपको, मैंने आपको पहले बताया ई क्लास इज अ काइंड ऑफ एस क्लास, गलत तो नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब तो शेप भी बहुत सिमिलर हो गई है, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर आपको बैठ के ना बिल्कुल फीका फील नहीं होगा सर। इसमें जो डिफरेंस मैं बताऊं दोनों शेप्स में जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, हाँ जी, एक तो एम्बी लाइटिंग आप देख सकते हैं उसमें भी है, बट इसमें बहुत बेटर कर दी गई है वाकई, बहुत मतलब जो एक अच्छी फील आती है वो पीछे बैठ के इसमें आ रही, जो कम्फर्टेबल वाली जो फीलिंग है वो पीछे इसमें ही है। ट्रू। इसके अलावा आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं पीछे, जो रिक्लाइनर सीट्स हैं, जो पीछे पिछले मॉडल में नहीं आती, जो प्रीवियस शेप में नहीं आती थी, रिक्लाइनर सीट्स मिलती हैं आपको। ओके, और बाकी वुडन फिनिशिंग वगैरह, जो वुडन ट्रिम्स आप साइड पे देख रहे हैं कितनी बेहतरीन लग रही है, आप देखिए। अब यहाँ जब हम आते हैं तो एक तो ये 17 मॉडल है, तो उस हिसाब से आपको कंडीशन भी देखनी ज़रूरी है कि गाड़ी में कहीं से भी
कोई घिसावट तो एज सच मुझे दिख नहीं रही है, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं है सर, आपके सामने जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो, बिल्कुल ही क्लीन और इतना बड़ा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस शिप। हाँ जी, बहुत ही बड़ा वो दिया हुआ है। 49,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, ठीक है। हाँ जी, बाकी आपके टच सेंसिटिव बटन हो गए, आप पेल शिफ्टर्स हैं ये मिलते हैं, आपको जो गियर शिफ्टर है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका पूरा पैनल है, इसमें अगर आप बात करें कंट्रोलर जो है ये भी आपका टच रहता है। एक बार आपको दिखाता हूँ, ये आपका होम बटन है, ठीक है। होम बटन के बाद आपने कुछ नहीं करना, बस टच करना है और आप देख सकते हैं। वंडरफुल। बाकी जैसे प्रीवियस शेप्स में जो एस क्लास में आती थी जो क्लॉक है मर्सिडीज की, एक सिंबल है वो आपको ई क्लास में आजकल मिलने लगा। ये आपके मोड कंट्रोलर है, इसमें आप अपने ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इको हो सकता है, स्पोर्ट्स प्लस, स्पोर्ट, कंफर्ट, सारे मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक बार रिवर्स कैमरा की, लेट्स सी द रिवर्स कैमरा। सो देयर यू गो, हियर इज द रिवर्स कैमरा, काफी अच्छी क्वालिटी का पार्किंग सेंसर्स, बाकी आपको ऑटो पायलट फीचर भी मिलता है इसमें। ये आपका ऑटो पायलट फीचर, इसमें ड्राइव फॉरवर्ड्स टू सर्च फॉर पार्किंग स्पेस, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पायलट हो जाता है। अब एम्बिएंट लाइटिंग देखते हैं कि कितने कलर की है इसके अंदर। एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें तो 64 आप कहते हो कि कितने 64 कलर कैसे हो सकते हैं? ये भाई एक कंपनी इस तरीके से कलर बनाती है कि जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो आपको 64 दिखते हैं। मतलब इसमें जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका जो सर्विस पैकेज है अभी अगले साल तक है। ओके, अभी वैलिडिटी है। हाँ जी, वैलिड है, तो अभी आपको उसकी भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 260। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक भगाने वाली गाड़ी है, लेकिन अगर आप हाईवे पे डिस्टेंस जल्दी कवर करना चाहते हैं तो ये 180 200 पे भी बहुत स्मूथ चलेगी। बिल्कुल, आपको स्पोर्ट्स का अगर मजा लेना स्पोर्ट्स प्लस पे डालिए फिर देखिए। तो अभी तो हम जरा लोकल ही चल रहे हैं और आई थिंक अभी हम मोड एक बार चेक कर लेते हैं कि हम कौन से मोड में हैं। तो हम लोग हैं अभी इंडिविजुअल पे, हम इसे उसे कर देते हैं, इको पे कर देते हैं। तो इसकी इसकी एवरेज तो अच्छी आनी चाहिए, नो डाउट एवरेज अच्छी आएगी क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल इंजन है। एवरेज आपकी कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 12-14 सिटी में दे देनी चाहिए। ओके, बाकी ऑब्वियसली जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं एक बार आपको छोटे से एरिया में आपको पिकअप भी लेके दिखाऊंगा। वो पहले वाली चीज़ मुझे भी याद आ गई, ट्रैक आ गया वाला, अब स्पोर्ट्स प्लस पे करना। स्पोर्ट्स प्लस पे कर दिया, ट्रैक्शन बंद हो जाता है स्पोर्ट्स प्लस पे, तो आपको पिकअप लेके दिखाएंगे। बाकी इसमें बहुत ही अच्छा फीचर जो है ये कीलेस एंट्री है और पुश बटन स्टार्ट है, ठीक है। की भी एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए, नई की ये नई है और जो पुरानी शेप जो आपको हम दिखाने वाले हैं, पुरानी नहीं है वो, मतलब जो पहले ओल्ड की आती थी, शेप है। हाँ जी, फर्क देखिए कितना है। तो अब जरा पिकअप, ठीक है, ये स्पोर्ट्स प्लस पे, अब ये देखिए, ओ रे बाप, ओ माय गॉड, रेजिडेंशियल हो गया। नहीं, रेजिडेंशियल तो है लेकिन है इसमें पूरी पावर है। तो हम लोग ड्राइव लेके आ चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार ड्राइव रही। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि हमें इंजन भी एक बार आप दिखा दिया करिए वीडियो के ज़रिए। तो अक्षत भाई प्लीज़ एक बार इंजन दिखा दीजिए, इसकी जो इंजन की जो शक्ल है वो आपके सामने ही है, क्या कहते हो? उससे ज़्यादा सारा कुछ इंटैक्ट है, कहीं से कोई लगी वगी नहीं है। ये आप क्लॉथ देखेंगे, ये यूजुअली अगर गाड़ी ओवरहीट होती है तो क्लॉथ जल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। हाँ जी, बट ये भी इंटैक्ट है पूरा, सारा कुछ ही इंटैक्ट है। सब कुछ चेक कराइए, मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, तसल्ली करने के बाद ही आगे आप डील क्लोज करने की बात करिए, मैच्योर करने की बात करिए। बात करते हैं अब इसकी पूरी डील की कि क्या डील है। 17 मॉडल कार है, किलोमीटर भी हमने आपको बता दिए, एक बार पूरी डिटेल लेते हैं दोबारा से। अक्षत भाई प्लीज़। इरफान भाई, 2017 मॉडल, 17 मॉडल है और सर्विस पैकेज जैसे मैंने बताया नेक्स्ट ईयर तक अभी है वाले। ओके, बाकी उसके अलावा अगर आप किलोमीटर्स की बात करें, 49,000 किलोमीटर्स मैंने बता दिया, सिंगल ओनर गाड़ी, एचआर रजिस्ट्रेशन, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। डिमांड की बात करें तो 40,90,000, 40,90,000 की डिमांड है जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है, ठीक है जी। अब चलते हैं पीछे, और पीछे एक और ई क्लास खड़ी हुई है डीजल लवर्स के लिए। अब ये गाड़ी खास इसलिए भी है क्योंकि ये ब्लैक कलर में है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो रखते हैं, लेकिन जो रखते हैं वो फिर ब्लैक के दीवाने होते हैं। ब्लैक कलर आप समझो 70-80% लोगों का फेवरेट होता है, और उससे ज़्यादा आप बाहर की तो आपने बता दिया, अंदर की खासियत की बात करें तो ये V6 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो E350 है जैसे मैंने बताया, टॉप ऑफ द लाइन, आप डीजल रॉकेट बोल लो इसको। जैसे मैंने बताया हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी हम गाड़ी लेते हैं स्कैन करते हैं, 2-3 दिन चलाते हैं, सब कुछ रेक्टिफाई कराते हैं, कुछ बाहर स्क्रैचेस वगैरह हैं, अपोल्सरी, टायर, बैटरी, कुछ छोटा मोटा मैकेनिकल, सारा बेसिक वेरिएंट है जो मैंने बताया होते ही होता है, वो सारा कुछ कराने के बाद ही हम यहाँ पे खड़ी करते हैं, ठीक है। आपने डीजल पेट्रोल डलवाओ और चलाओ बस। अब इसके अंदर पीछे मैनुअल कर्टन्स भी हैं डोर के अंदर जो आप देख सकते हैं, मैनुअल कर्टन है,
और एम्बिएंट लाइटिंग है, 360 डिग्री कैमरा है जो उसमें नहीं है। ये आपका 14 नवंबर का है तो आपका प्रैक्टिकली आप कह सकते हो कि 15 है। पीछे से देख लो आप लाइटों की क्या कंडीशन है और किस तरह से पीछे से दिखने में, एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं। सो देयर यू गो, स्पेस देखिए आप, लगेज आप रख सकते हो इजीली। तो अभी से क्लोज कर देते हैं और एक बार पीछे बैठते हैं, अक्षय भाई उधर से आएंगे। इसकी जो स्पेस है, हालांकि इसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ ही मिल रही है, इसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। पीछे जो एसी है वो ऑटोमेटिक है? हाँ जी, ऑटोमेटिक है। बाकी आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें सराउंड सिस्टम की बात करें तो हार्मन कार्डन के सिस्टम, सराउंड सिस्टम मिलता है। मेमोरी सीट्स हैं आपके, तो फिर एक बार फिर प्ले हो जाए फिर म्यूजिक चलते हुए। चलो वो भी करके दिखाएंगे आपको, टेस्ट ड्राइव लेके दिखाएंगे, पिकअप लेके दिखाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर से फीचर की। अक्षत भाई एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर अपने को बेसिक फीचर क्या क्या मिल जाते हैं। इरफान भाई, सबसे पहले पैनोरामिक रूफ, पेडल शिफ्टर्स, ओके, गियर शिफ्टर आपका, ये रहा, परफेक्ट है। एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, हार्मन कार्डन की जैसे मैंने सिस्टम बताया, सराउंड सिस्टम आपका वो रहा। तो भाई पैच खाली है, हार्मन कार्डन का सिस्टम भी सुनेंगे और एक बार इसको जरा एक पिकअप भी लेके दिखाते हैं। इसको जरा थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। क्या क्या मोड इसके अंदर मिल रहे हैं अपने को? इसमें आपको इकोनॉमिक मोड और स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एवरेज की तो कितनी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आपके अकॉर्डिंगली, वैसे क्या कहते हो, 10 से नीचे रहेगी? भाई आपको मेरे ख्याल से 10-12 सिटी में दे देनी चाहिए। बाकी आपकी ड्राइविंग कंडीशन है? हाँ जी, हाँ, कैमरा देख लीजिए जी, 360 डिग्री कैमरा है और पूरी आपको इमेज दिखती है। देख लीजिए कि गाड़ी, देखिए साइड व्यू भी आपको पूरा दिख रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। ये बहुत ही कम गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है कि आपको 360 कैमरा मिले और बाकी पार्किंग सेंसर्स तो हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। चलिए जी, ये तो रहा कुछ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आपको चला के भी दिखा दी गाड़ी अक्षत भाई ने, ताकि आपको ओवरऑल एक एक्सपीरियंस पता लग जाए गाड़ी का। बाकी अब भाई फिर उतर के इसकी डील भी देखते हैं फिर कैसी होती है। तो आइए उतरते हैं उस गाड़ी से। भाई म्यूजिक सुना, गाड़ी का मज़ा आ गया, गाड़ी की ड्राइव ली, मज़ा आ गया। अब मज़ा तब आएगा जब अच्छे प्राइस आपके लिए क्रेजी अबाउट कार पर अक्षत भाई देंगे। प्राइस, दो प्राइस की कोशिश हमेशा रहती है कम से कम हो, बट कंडीशन के हिसाब से जायज पैसे मांगते हैं। ठीक है जी, आप आके देखो, तसल्ली करो फिर। अच्छा, जो पैसे होते हैं ये कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा है कम है, तो ये सिर्फ कंडीशन के ऊपर होता है जी? सर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, गाड़ी आपको हर जगह मिल जाएगी, डीलर आपको हर जगह मिल जाएंगे, अच्छी गाड़ी और रिप्यूटेड डीलर हर जगह नहीं मिलते। ओके, आप वीडियो में देखते हो तो हर चीज सेम लगती है, हर गाड़ी सेम लगती है। आप इन पर्सन आके गाड़ी देखो, चला के देखो, फील लेके देखो, तब आपको पता लगेगा डिफरेंस क्या है। ओके, कौन सी गाड़ी कैसी है, कौन सी हल्की है और कौन सी वेल मेंटेन्ड गाड़ी है। तो इनका कहना ये है कि ये वेल मेंटेन्ड कार है और देखते हैं कि क्या इसकी डील है, तो इसकी डिटेल बता दो। सर 2014 नवंबर की गाड़ी है, प्रैक्टिकली आपके 15, सिंगल ओनर, दिल्ली नंबर, E350 अवंतगार्ड, टॉप ऑफ द लाइन, चलिए आपका 67-68,000 किलोमीटर है, पूरी कंपनी मेंटेन्ड है। ठीक है, और पैसों की बात करें तो 22,90,000, 22,90,000 की डिमांड है। ओके, जो भी आपका रिकॉर्ड रखने के लिए हम जो बेस्ट कर पाएंगे उस टाइम पे कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो ये थी आज कुछ वीडियो आपके लिए जो आज हमने बनाई क्रेजी अबाउट कार से। बाकी ये जो दो गाड़ियाँ, इनके अलावा भी स्टॉक इनके पास काफ़ी सारा होता है, एक बार अपडेट आपको लेके बताता हूँ। सर जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अभी फिर से बता रहा हूँ, इंडियन सेगमेंट आपको अभी मिल जाएगा, एक्सयूवी, थार और फॉर्च्यूनर वगैरह सारी मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास 85% जितनी गाड़ियाँ हैं वो लग्जरी ही हैं। ओके, तो आपको 10 लाख से स्टार्टिंग है हमारी जो लग्जरी गाड़ियों की है, और बाकी अब कोशिश करके ऊंचे मॉडल्स भी दिखाएंगे, तो नेक्स्ट आप जब भी देंगे ऊंचे मॉडल्स दिखाएंगे आपको। जैसे कि आज आपको 17 दिखाया, अक्षत भाई के पास एक गाड़ी आने वाली है जो पाइपलाइन में है, 18 मॉडल गाड़ियां दो आने वाली हैं। लो जी, अच्छी से पता लगी। अक्षत भाई पेपर वर्क के बारे में कुछ बता दीजिए। पेपर वर्क की बात करें, क्योंकि आपकी वीडियो हर बंदा देखता है ऑल ओवर इंडिया, तो पैन इंडिया एनओसी अवेलेबल है। ओके, फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस फैसिलिटी अभी सिर्फ डेली एनसीआर रेजिडेंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, कोशिश है कि पैन इंडिया भी हो जाए जल्दी। उसके अलावा मैंने बताया हमारा पूरा सेटअप है, आपको जो भी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स सब कुछ होता है हमारे यहाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है सबके लिए, और बाकी पेपर वर्क आपको पता है क्लीन होता है हमारा सारा। आप आइए, चेक करिए गाड़ी, चेक करिए पेपर, चेक करिए, फिर ही आओगे बात करिए। बहुत बढ़िया, तो ये सारी हमने आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दी। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रेजी अबाउट कार की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड बाय 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 बाय।